हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो दोस्तों, आजकल तो मैं फुल ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ, तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि फुल ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और उसका टाइम मेरे पास है नहीं। तो इसीलिए मैं मिनी ब्लॉग आजकल बना रही हूँ। और आज हमारे घर में नूजा आंटी आ गई है फिर से, और उनको मैंने सोचा कि बता दें जा करके कि भाई उनको कोई पूछ रहा था, तो चलिए देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है जब ये बात पता लगती है। और ज्यादा कुछ मतलब हम लंबा नहीं शूट करेंगे, बहुत ही छोटा सा ब्लॉग रहेगा, तो आप पूरा ब्लॉग फुल देखिएगा, बहुत ही इंटरटेनिंग रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो नूझा आंटी, आपको एक चीज बतानी थी कि हमारे एक व्यूअर हैं, वो आपको पूछ रहे थे। अरे हैं एक उनका नाम है साइमा परवीन, तो उन्होंने मतलब आपके लिए आपका नंबर मांगा है कि नूझा आंटी का नंबर दे दिए प्लीज। हाँ नंबर तो दे दो, जाएंगी? हमारे मोबाइल तो हम रखते नहीं बेटा। नहीं तो मोबाइल तो हमारे पास आपका नंबर है, जिससे मम्मी बुलाती। मेरे भाभी का नंबर है आपके पास। हाँ, तो उसी पे कॉल आएगी तो आप हो जाएगी हमसे, तो आपको जाना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। अच्छा, और नहीं तो क्या, जाना पड़ेगा आपको। कहाँ जाना पड़ेगा अब ये तो नहीं पता ना, वो बताएंगी। अभी तो उन्होंने मैसेज किया है, हमने कहा कि बता। तो दोस्तों, मैंने नूजान जी से बोल तो दिया है, और साइमा परवीन जी, आपको अगर जाना होगा तो आप जल्द से जल्द अपना नंबर मुझे बता दिए ना। आप मुझे इंस्टा पे या फिर FB पे, मेरी सदब की बकबक के नाम से है, तो आप उस पे मैसेज कर सकते हो, फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी पर्सनली। और यहाँ ये बैठी हुई हैं, बड़ा खुश भी हैं कि चलो भैया किसी ने तो इनको पूछा। हाँ और क्या, आज आज थोड़ा ना सुस्त लग रही है, मतलब बोल नहीं रही है ज्यादा, वरना तो आप लोग सुन ही चुके हैं उनकी बातें, नूरजहां आंटी की। तो अब हम नूरजहां आंटी से थोड़ा सा तेल लगवा ले। कहा तुम यहाँ मत हो भैया, उधर जाओ, चलो तेल लगवा ले, क्योंकि बहुत ज्यादा बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, बहुत दिन से तेल नहीं लगा है, तो तेल लगवा लें। क्यों नूरजहां आंटी जी, ये बढ़िया चंपी करनी है, चंपी भी बहुत अच्छी करती है नूझ आंटी, बहुत अच्छी चंपी करेंगे। और ये देखिए गहाफ को, गहाफ इधर देखो कैमरे में, हाई कर दो सबको, अस्सलाम वालेकुम करो। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम भी कर दिया मेरे बच्चे ने, वाह बहुत प्यारा बच्चा है ना, माशाल्लाह। दोस्तों यहाँ पे वापस से बेड आ रही है, और काफ़ी गंदा हो गया नीचे, और जैसे पहले था सब वैसे हो रहा है। और कहा बिजी हैं बिस्किट खाने में, इनके हाथ में बिस्किट है और ये बिस्किट खाने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। चलो कहा हम लोग को उस कमरे में चलना है। ओके लेट्स गो। कहा व्हाट आर यू लुकिंग एट, वेयर इज फैन? फैन फैन, वेयर इज फैन? वेरी गुड। एंड वेयर इज नोज? शो योर नोज। नोज नो, दैट इज आईज ना, यू हैव टू शो योर नोज। शो योर नोज काफ। कहा बहुत बिजी है अभी खाने में, इसलिए ये जो है किसी चीज का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मम्मी वाला डांस, मम्मी वाला डांस। कब? मतलब मम्मी ऐसे डांस करती हैं क्या? मम्मी डांस करती हैं क्या, पहले तो ये बताओ। मम्मी वाला डांस कब? जितना कह रहे कि मम्मी वाला। दोस्तों नूरजहां आंटी तो चली गई हैं, और हम आज सोच रहे हैं कुछ हम भी स्पेशल बनाने। सर में तेल एकदम चिपक गया है, और अभी मैं नहाने जाऊंगी, इसके बाद नमाज पढ़ूंगी जोहर की, तो बनाने को सोचे, तो मैंने सोचा कि आज कुछ तो बनाना ही है। तो फ्रूट चाट जो बना रहे हैं ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं, एकदम होममेड है, बहुत ही यमी लगती है, बहुत ही। और एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे क्या क्या हम डालते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो फ्रूट्स में देख लीजिए, मैं बनाना दो ले रही हूँ, और ग्रेप्स है, ये है पेठा, ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है, ये मैं ज़रूर डालती हूँ। और एप्पल हो गया, पॉमीग्रेनेट यानी अनार हो गया, ऑरेंज हो गया, और ये दोनों चीज़ मतलब वाटरमेलन और मैसमेलन मैंने अलग से रखा है, क्योंकि मैं अलग से काटूंगी। तो मैं पहले फ्रूट कट कर लेती हूँ सारे, ताकि जल्दी जल्दी सब से मिक्सिंग का काम रहे, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या क्या कितना कितना क्वांटिटी मिक्स करना है। मैंने फ्रूट्स कम लिए हैं अभी, क्योंकि हम लोग के घर में भी कोई है नहीं, लवली फात पे है नहीं, हम मम्मी और अब्बा ही हैं, तो इतने लोगों में इतने सफिशेंट है, तीन लोगों में। तो यहाँ मम्मी ने क्रीम की पिटाई स्टार्ट कर दी है, और ये होम मेड क्रीम है, मतलब घर की फ्रेश क्रीम है,
मलाई है जिसको मम्मी अच्छे से फेंट करके एकदम वो कर देंगी। तो क्रीम बहुत अच्छे से फिट गई है और मम्मी पिसी हुई चीनी ले आई है, पूरा एक चम्मच भर के डाली मम्मी, भर के एकदम बढ़िया। हाँ तो एक चम्मच चीनी डाल दी पहले, इसको अच्छे से करिए, उसके बाद थोड़ा सा और डालिएगा और इसको फिर मम्मी अच्छे से फेंटने जा रही हैं। बहुत बढ़िया हो गई एकदम मम्मी, अमूल वाली क्रीम की तरह लग रही है। तो दोस्तों देखिए सारे फ्रूट्स मैंने काट दिए हैं इधर, ये मस्कमेलन कट गया, अभी वाटरमेलन बचा हुआ है और बहुत अच्छे से क्रीम भी फिट गई है, एकदम बढ़िया फिटाई हुई है। तो मम्मी अब फ्रूट सारे डालने आ रही हैं, पूरा उठा के डाल दिए ना। और अब इसमें एक लास्ट आइटम बचा हुआ है जो डालना है, वो मैं लेके आऊंगी फ्रिज से। तो ये है वनीला एसेंस, इससे ना बहुत अच्छी स्मेल आ जाती है और जो भी अगर दूध की कोई स्मेल रहती है ना तो वो भी चला जाता है। देखिए कितनी अच्छी लग रही फ्रूट क्रीम, वाओ यम्मी। तीन चार ड्रॉप डालिए, हो गया, बहुत अच्छी बनी है एकदम। हमारी फ्रूट क्रीम रेडी हो गई है, बहुत ही यम्मी लग रही है और सच में होममेड क्रीम का अलग ही बात हो जाती है। अब ना इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में, ताकि एकदम बढ़िया ठंडी हो जाए। मम्मी फ्रिज खोल दिए प्लीज। हाँ इसको फ्रिज में रख दिया है, बढ़िया फ्रीजर में रखा है बल्कि। कहफ अफतारी कैसी है, यम्मी यम्मी? तो दोस्तों ये था मेरा आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग, जिसमें मैंने आपको बताया फ्रूट क्रीम कैसे बनती है। और कहा बहुत अभी सो के उड़ गए हैं, तो अब जा रहे हैं हम लोग अवतार करने के लिए। और अब मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अपने कल के ब्लॉग में आप लोग से मिलती हूँ। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बख़ैर, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रोज़ा रखिए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, इबादत करिए जितना हो सके, और अल्लाह हाफिज़।